ओए होए सामने गाइस देख सकते हो अपने सबसे मस्त जगह, जब भी स्पीति के अंदर जाते हैं तो ये चीज तो भाई बहुत फेमस है। ये देखो गाइस क्या रोड है भाई साहब, हम ये वाला पॉइंट है ना, वन साइड में खाली एक ही निकल सकते हैं। शॉट आ रहा है, अब बिल्कुल हम पहाड़ के अंदर आ गए। अब भाई ये एचपीएल लोग क्या हो गया, ये बहुत गलत चला रहा है यार। ये देखो अपना लगेज किस साइड जा रहा है, फर्स्ट टाइम व्लॉग मोड वाला कर सीन जा रहा है किसी है तो भाई भाई फोटो खिंचा रहे हैं। हेलमेट उतारूं या ऐसे ठीक है? नहीं ऐसे ठीक लग रहा है। अच्छा तो यार भाई के सब्सक्राइब करने के फुले तो कहने का मत, फील आ रही है सेलिब्रिटी वाली। नॉट यार ये प्यार चक बनता है। ओके ब्रो काफी आगे तक जाओगे। हां हां ठीक बिल्कुल बिल्कुल आपका दिल से ही पता लग रहा है। ये लोहे के पुल में आ गए भाई साहब, कितना बज रहा है, ये डर लग रहा है कोई प्लेट ना निकल जाए और सीधा मैं नीचे। आकाश का है, आप बात की नहीं समझ रहे, आप 10 मिनट क्या मामला क्यों रोकनी थी, डबल वे होती तो आगे से भी गाड़ी छूटेगी ना, फिर जाम लग जाएगा। बात तो सही है, मैं मानते ही नहीं है बंदे, एचपी नंबर लोकल बंदे ऐसा कर रहे हैं। तो भाई रास्ता क्लीन हो चुका है, आधे घंटे का रेस्ट करने के बाद इस बार रेस्ट भी हो गया एंड यहाँ से 144 किलोमीटर है नागो अपनी एंड अराउंड 7 बज जाएंगे पहुँचते पहुँचते। हैवी ड्राइवर है यार बस वाला, कितना कितना काट रहा है, कैलकुलेशन एक नंबर की बंदे की। अन्नो 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 बसड्डा बसड्डा। तो गाइस अब निकलते फटाफट से, अब जाके रास्ता खुला है, रास्ता तो पहले खुल गया था बट हमारी साइड नहीं खुली थी। ये लॉर्ड ऑल्टो यहाँ पे बैठी हुई है, इस बाइकर्स को फर्स्ट प्रायोरिटी मिली। हाँ यहाँ पे हुई थी लैंड स्लाइडिंग बहुत गंदी वाली, सारे बाइकर्स आ रहे हैं, कोई स्पीति जा रहा है, कोई सोलांग जा रहा है, तोलंग है सोलांग है पता नहीं, बट वहाँ पे होली अच्छी बनाई जा रही है, तभी बंदे फेस्टिवल मनाने जा रहे हैं होली वहाँ पे। हमारा भी एक प्लान हुआ, हम भी चलते उधर, बट यार अभी रूम की शॉर्टेज हो रही है वहाँ पे, सब सारे रूम हाउसफुल चल रहे हैं एंड बाई चांस कोई रूम गलती से मिल भी गया तो वो ओवर प्राइस मिलेगा, बजट पूरा हिल जाएगा। एंड ये है ऑफ रोडिंग डोमिनर वाले नंबर प्लेट, विदाउट नंबर प्लेट, ओ ओ ओ सैडलिंग मेरी जान भाई, ओ भाई ओ भाई, अपने को इजी चलना पड़ेगा, कोई जल्दीबाजी नहीं है, कितनी धूल मिट्टी हो गई भाई। ओ हिमालयन तो बहुत इजी निकल गई, टूरिंग बाइक है तो इजी तो निकलेगी भाई। केरला से आया भाई साहब, अभी भाई से थोड़ी वार्तालाप भी हुई थी, भाई ने बताया कि केरला से आया हूँ मैं, हैट्स ऑफ ब्रदर, श्लश पूरे टूर पे ये नहीं मिला, अब जाके मिला। ओ ओ ओ इधर से हुई थी भाई लैंडस्लाइड बहुत गंदी वाली, चलो फ्री हो गए अब थोड़ा राइडर्स के साथ भगाते हैं। यार भगाने के लिए सोच रहा हूँ बट यार यहाँ पे इतने खतरनाक गड्ढे गड्ढे आ रहे हैं, हम अगर स्लिप ना हो जाए, वैसे दोनों बार अपना गड्ढे में ही ब्रेक डाउन हुआ है, एक बार लगेज गिर गया और एक बार लाइट गिर गई। अब थोड़ी साफ सुथरी रोड दिखाई दे रही, तूने सारे बाइकर्स पीछे भी मेरे बाइकर्स आ रहे हैं, क्या व्यू है, छोटे छोटे घर पहाड़ में आपके साथ दिख रहे होंगे, नहीं दिख रहे होंगे, थोड़ा सा स्किल चाहिए यहाँ पे। ये निकल गए, ओ ओ ओ बहुत खतर बेकार रास्ते यार यहाँ के,
साइडिंग करते हुए निकलना पड़ेगा, ऐसा निकलना तो बहुत मुश्किल है। भाई का अगर ब्रेक डाउन भी हो गया तो भाई भाई अपने लगेज की माँ बहन एक हो गई। ये देखो अपना लगेज किस साइड जा रहा है। धिक्कार है हम पर। ओए होए सामने गाइस देख सकते हो अपने सबसे मस्त जगह। जब भी स्पीति के अंदर जाते हैं तो ये चीज़ तो भाई बहुत फेमस है, इसको गेट ऑफ स्पीति भी बोला जाता है। एंड भाई फाइनली तुम्हारे भाई का भी ड्रीम पूरा हो गया, गेट ऑफ स्पीति में इसकी यहाँ सबसे लैंड स्लाइड भी होती है। जब लैंड स्लाइड होते ना तो यहाँ पे खड़े होने नहीं देते। सो गाइस अपने रील्स यहाँ पे बनाए एंड फोटो खिंचाए, उसके जाके मेरे इंस्टा पे फॉलो कर लेना। इंस्टा में मस्त से मस्त तोड़ से तोड़ वीडियोस डाल दिए मैंने, रील्स डाल दिए। एंड हमें देख के बहुत सारे लोग भाग आ गए हैं, यहाँ पे बहुत भीड़ हो गई है। तो अभी निकलते हैं यहाँ से, बहुत ज़्यादा लेट हो गए। चलो बहुत ज़्यादा लेट हुआ है भाई, बहुत ज़्यादा। एंड भाई रील बनाते बनाते मेरा बैग भी गिर गया, बहुत गंदी गिर। मैंने सोचा भाई पहले हेडलाइट गिरी, मैंने सोचा इस बार इंजन गिर गया, देखा भयंकर बैग गिर रखा था। एंड थैंक गॉड उसमें कुछ था नहीं, ऐसा गैजेट वैजेट वरना टूट जाता भाई, जिस तरीके से गिरा था बहुत तेज़ आवाज़ आई थी भाई। सेकंड डे भाई बहुत गलत सीन हुआ ये, 10 से 15 मिनट के अंदर थोड़ा इजी चलना पड़ेगा, कोई बड़ी बला से छोटी बला में डल गया अभी तो। सामने थार चल रही है अपने 4x4 चंडीगढ़ नंबर 9999, ये रोड बहुत गंदी है, इसी से डर लगता है मेरे को। एंड गाइज ये जो एरिया है ना जिस रोड पे भी मैं चल रहा हूँ, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वर्ल्ड की नंबर 1 लैंडस्लाइड रोड, वो ये है सबसे डेंजरस रोड है, ये लैंडस्लाइड रोड है भाई। ये आगे देखना भाई कितने नैरो नैरो होते जाएंगे पहाड़, सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड पूरे वर्ल्ड में इसी जगह होती है। पैर भी बबल खा रहा है ऐसे, यहाँ भी छोटा सा पत्थर आया, इतने पत्थर आ रहे हैं यहाँ पे। पत्थर बोलते हैं पत्थर बोलते पहले मुझे कॉमेंट सेक्शन में ये बताना। वो देख रहे हो भाई और रोड खराब, यहाँ जब भी रोड बनती है ना हर दूसरे महीने लैंडस्लाइड आ जाती है, रोड ख़राब। कभी आपको यहाँ पे रोड अच्छी मिलेगी और दूसरे दिन यहाँ आपको रोड ख़राब मिलेगी बहुत ज़्यादा भाई। एंड स्पीड भी यहाँ 20 की दिखा रखी है, कहाँ से चला है भाई 20 की। ये देखो गाइस क्या रोड है भाई साहब। एंड ये वाला पॉइंट है ना, वन साइड में खाली एक ही निकल सकता है, तभी थोड़ा स्लो करना पड़ रहा है। एंड पहाड़ देखो भाई साहब, पहाड़ काट के रोड्स बनाई है भाई। रास्ते ये ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहे, रास्ते के चक्कर में सब गाड़ियों की स्पीड स्लो हो गई है। ये देखो भाई कितनी नैरो रोड्स है। एंड राइट टर्न इसको, वो ये रोड देखो भाई, माउंटेन्स ओ तेरी क्या व्यूज आ रहा है, देख रहे हो गाइस गाड़ियाँ चल रही होती है, पहाड़ देखो। अब भाई ये एचपी वाले क्या हो गया, ये बहुत गलत चला रहा है यार, इतने अच्छे मूड की माँ बहन एक कर रहा है ये। मैं तो सोच रहा था खाली यूपी और एचआर वाले यार खतरनाक होते हैं, ये तो हैं इसके यहाँ एचपी वाला भी इतनी गंदी तरीके से चला रहा है। चलो छोड़ यार व्यूज का मजा लो यार, सिनेमैटिक शॉट देखो। अब बिल्कुल हम पहाड़ के अंदर आ गए, ये देखो क्या भाई साहब, जो भी बंदा होगा जिसने का जिसका भी दिमाग होगा हेड्स ऑफ आर्किटेक्चर भाई साहब क्या बनाया है, क्या कला करती है। जाम में यार हालत ख़राब हो गई थी, कमर दर्द हो गए थे भाई, इतना गंदा रोड हालत ख़राब हो गई। बट थोड़ा अपने आप को पीस मिला ये फ्लैग देख के, तो हमने जब फ्लैग मिला थोड़ा सा माइंड को फ्रेश करे, बॉडी रिलैक्स करे, ये फ्लैग दिख गए अपने को, हमने थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। एंड सामने व्यू ओ लाजवाब, अरे यहाँ पे अपनी अब वीडियो एक नंबर, ऐसे शॉट दिखा दो आपको ऐसे ना, एक नंबर का शॉट आ रहा है, ये देखो क्या फ्रेम में क्या शॉट आ रहा है। फर्स्ट टाइम व्लॉग मोटो वाला कर सिंगल आ रहा था किसी है, अरे यार मेरी जान
थैंक यू मेरे दोस्त। छोटू क्या नाम है तुम्हारा? और मेरे दोस्त और भाई तो मिल के अच्छा लगा भाइयों से यार, ऐसी प्यार बरसाते रहो यार। नहीं नहीं धन्यवाद। हाँ बिल्कुल मेरे भाई लोग आएंगे व्लॉग में, तुम्हारे भाई ने डाल दिया, चार पांच दिन के अंदर जैसी टाइम मिलता है वैसे डालता हूँ मैं। एक बार बोल देना वापिस, अच्छा लगा। सुन लो यार, हिमाचल के बंदे बोल रहे हैं मेरे भाई लोग, कोई गाड़ी तो नहीं आ रही पीछे से? भाई वाटर क्रॉसिंग आ चुकी है हमने, वहाँ पे एक भाई को खड़ा करा दिया है, बस धीरू का तो बेइज्जती हो जाएगी। गिरना नहीं है, काश गिरना नहीं है। ओ ओ नो नो ओ नो ओ ओ ओ बच गया फाइनली। तो भाई अपना शूट हो गया वाटर क्रॉसिंग का, एंड जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो करो फटाफट से। तो भाई हमारे सब्सक्राइबर मिले हमने से, खाली यहाँ जाने से अच्छा भाई लोग को कुछ दे देते। कहाँ रखी ये रही? ये हमने चॉकलेट। तो भाई संकल भाई के हाथ से ले लो दोस्त, कोई दिक्कत नहीं, आप सबके लिए ये मेरी तरफ से, ये आप सबके लिए। एक ही थी अगर जाती होते पक्का देते दोस्त। तो भाई अब रील के लिए शूट हो रहा है, गिरना नहीं है। वो ये वाटर क्रॉसिंग तुम्हारे भाई ने पार कर लिया है सैडलिंग मारते हुए। वो जबरदस्त, अब थोड़ा अपना बैक का हाल देखा जाए। ओ वाओ सो ब्यूटी, ओ डैम, ओ माय गॉड वाओ। तो भाई फोटो खिंचा रहे हैं, हेलमेट उतारू या ऐसी? ठीक है ऐसी ठीक लग रहा है। अच्छा तो यार फुले तो कहने का मतलब फील आ रही है सेलिब्रिटी वाली, मजा आ गया दोस्त। थैंक यू यार, मिलके अच्छा लगा यार, भाई ने फोटो वो शूट भी कर लिया एंड फिर फोटो भी खिंचा लिया हमारे साथ, मजा आ गया। मीन स्लॉट यार, ये प्यार छा बनता है। हाँ हाँ ठीक, ओके ब्रो, काफी आगे तक जाओगे। हाँ हाँ ठीक, बिल्कुल बिल्कुल, आपका दिल से ही पता लग रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल। तो भाई के सब्सक्राइबर मिल गए, तो भाई फोटो वोटो खिंचवा रहे हैं, अभी मेरे को भी बोल रहे हैं खिंचवाने के लिए। तो ये देखो भाई, तो भाई ऐसा ही प्यार चाहिए। ठीक है भाई, आपके दिल से ही पता लग रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ब्रो, चलो ब्रो बैठो। नहीं नहीं थैंक यू सो मच, आते वक्त मिलेंगे पक्का, आते वक्त मैं डीएम कर दूंगा कितने बजे आ रहे हैं, आते वक्त इसी साइड पे ही मिलेंगे पक्का। है ठीक है जी, आराम से जाना। बिल्कुल बिल्कुल, प्रॉब्लम आया तो बोल देना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच ब्रदर। थैंक यू भाई, आपको करेंगे ऊपर भी, ऊपर से भी। हां हां ठीक ठीक, कोई प्रॉब्लम बढ़ता बोल देना। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत है भाई तुमने बोल दिया, दिल से शुक्रिया यार। थैंक यू भाई, डन ब्रो, ओके मींस लॉट ब्रो, अच्छा लगा मिलके। ओके बिल्कुल, ये लोहे के पुल में आ गए भाई साहब, कितना बज रहा है, ये डर लग रहा है कोई प्लेट ना निकल जाए, सीधा मैं नीचे उतरी अलग ही सीन है भाई साहब। देख रहे हो कितना बड़ा पुल, अच्छा यार हर सामने भाई साहब पूरी स्मूथ रोड आ चुकी है। ये भाटिया साहब भगाते हुए भाई, 30-40 किलोमीटर इतनी प्यारी रोड है ये भाई, तो खेसते हुए आ रहे हैं। एंड वो जो भाई खतरनाक रास्ता था ना, वो ऑफ रोडिंग वाला गंदे पैचेस भाई साहब, उसने भाई मूड पूरा ख़राब कर दिया। 30-40 किलोमीटर साहब सोच रहे हो व्लॉग मैंने शूट क्यों नहीं किया भाई उस टाइम, भाई हमने सब भगाओ बिकॉज लेट हो गए, काफ़ी भी अंधेरा होने से पहले अपने डेस्टिनेशन में पहुंचना है हमें, तो मैंने सोचा भगाओ, बट अभी टाइम तुम्हारे भाई ने थोड़ा सा कवर कर लिया है भगाते भगाते। तो अभी व्लॉग शूट कर रहा हूँ, वापस से अपनी स्पीड दिखाऊंगा तुम्हें, बट ये लोग आप ट्राई मत करना। चेक कर रहे हो गाइस तुम्हारे भाई की लीनिंग, ये लटा दे मछली बना दे, ये आप टांग निकाल के लीनिंग के तो इजी हो जाती है। ओहो लॉर्ड ऑल्टो सामने से। आज सोया नहीं, सुबह मुझे सोने दो, नींद पूरी हुई नहीं, ख्वाब पूरे होने दो। अब जब मजेदार रोड आ गई है भगाने के लिए, ओ थोड़े से पैचेस है अभी, नहीं नहीं ओए बचा, जैसे बोला भगा तो पैचेस स्टार्ट हो गए भाई, बोले बहुत यहाँ पे पैचेस है, थोड़ा सा रिक्स है यहाँ पे, ओ बहुत गंदे पैचेस आ गए यहाँ तो। रोड तो ठीक है बट बीच बीच में गड्ढे आ रखे ना, ये थोड़ा दिक्कत कर रहे हैं। एंड अपने स्कूटर के टायर भी थोड़े छोटे हैं, तो बैलेंस फट इतनी से आउट होता है। फुल पावर अभी कम से कम 70-90 के आसपास, 80-90 के आसपास भगा रहे तुम्हारा भाई फुल पावर का खेचा मारते हुए। चेक करो गाइस, बिकॉज अंधेरा होने से पहले जितना रास्ता कवर कर लिया जाए बहुत बेस्ट है।
अंधेरे होने के बाद बकाया था अपनी अपनी स्पीड हम डाउन कर देंगे, बट अभी तो फुल पावर से खैचा मार रहे हैं। तो गाइस ये जा रही कंचम नदी एंड सनसेट का टाइम हो चुका है एंड वो सामने दिख रहा है आपको ग्लेशियर, वो है बर्फ़ वाले पहाड़। एंड गोप्रो में भाई साहब समझ पे आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा, एंड उसके सामने उसके ऊपर देखो बादल जा रहे हैं भाई, क्या व्यू है सनसेट। और अलग ही वो जो बर्फ़ है ना भाई साहब, अलग ही येलो शेड में आ रही है, डायरेक्ट धूप पड़ रही है ना। शाम के टाइम का क्या सुहाना। एंड यहाँ पे अपनी बीस्ट अप्रीलिया हैट्स ऑफ यहाँ तक पहुँचाने के लिए, दोनों अप्रीलिया को हैट्स ऑफ, मेरी वाली तो स्पेशल है ब्रो। गाइस गलियों में आ गए, भैंस की आँख, क्या रास्ते है आगे, रोड यार टूट गई थी, देन अभी ये नया पुराना रूट निकाला ये गलियों से एंड वापस से हाईवे में आ गए, बाईपास में भगाते हैं। मैंने कहा अगर आपको दिखा दिया जाए। सो गाइस अंधेरा हो गया राइड करते करते एंड दो राइडर ने अभी ज्वाइन किया हमको, तो दो राइडर जा रहे हैं भाई साहब, आई थिंक सो ये भी ना कोई रुकेगा या देखते हैं, वैसे सारे स्पीति जा रहे हैं एंड अंधेरा काफ़ी हो गया है। तो यहाँ के लोकल्स ने बोला था अंधेरे में राइड मत करो क्योंकि लैंडस्लाइड अंधेरे में ज़्यादा होती है, नियर बाय जो भी आपको जगह मिले वहाँ रुक जाओ एंड पीछे देखता हूँ। वो तेरी पीछे अंधेरा है, एंगर कोई भी नहीं है, भूत आ जाएगा। ओ भाटिया साहब आप पीछे आओ, मेरे को आगे आने का डर लग रहा है। All my friends are toxic, all ambition is so rude and always negative.